हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम नाजिम है और आप देख रहे हैं नाजिम यूट्यूबर को। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि केरला का रहने वाला सिहाब भाई पैदल हज पे जा रहा है और सिहाब भाई को देखते देखते और तीन चार जनाब पैदल हज पे निकल चुका है। जैसा कि मानो हिंदुस्तान में ट्रेंड ही चल गया है पैदल हज पे जाने का, जो कि केरला महाराष्ट्र यूपी हर जगह से पैदल हज पे निकल रहा है। सिहाब भाई का माने तो वो एक साल पहले से ही सारा डॉक्यूमेंट तैयारी कर रहा था पैदल हज पे जाने का, तब जाकर इंडिया का विदेश मंत्रालय ने इजाजत दे दिया पैदल हज पे जाने का। और हमारे बाकी जो भाई है जो पैदल हज पे निकल चुका है, इनके पास नहीं कोई देश वीजा है और नहीं इनको रास्ता पता है और नहीं कोई डॉक्यूमेंट है इनके पास, फिर भी पैदल हज पे जा रहा है। मैं पैदल हज पे जाने का विरोध नहीं करता हूँ, पर जाने का तैयारी कर लेते और जितना भी गवर्नमेंट इश्यूज था सबको पूरा कर लेते तो शौक से जाते आप पैदल हज पे, हम आपके लिए दुआ करते। तो मेरे भाई हज का मजाक मत बनाओ, और वहाँ तक वही पहुँच पाता है जिसको अल्लाह ताला बुलाता है और वो पाक और मुकद्दस जगह है, और वहाँ पहुँचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि आपको और हमको हज नसीब फरमाए, और ऐसे तरीके मत अपनाओ जो आपके बस में ही नहीं है। और अगर आपको जाना ही है तो पूरी तैयारी के साथ और जितने भी गवर्नमेंट इश्यूज है उन सबको पूरा कर लेने के बाद आप शौक से जाइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। पर ऐसे रास्ते मत अपनाइए जिससे हमको और हमारी कौम को और हमारे धर्म का मजाक बनाया जाए। और लास्ट में हम अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि हमको आपको और हम सबको एक दिन हज नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।